परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन संख्या 159 श्री राम की आरती। ब्राह्मणों से कल्याण में त्रुटि और बाधा होती है, उन कारणों के नष्ट हुए बिना अथवा उन कारणों जो हमसे दूर हो, हम कल्याण के पथ को जाने, हम उस पर चलें तो हमारा कल्याण हो सकता है। कल्याण स्वरूप स्वयं परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं जिसको पाकर कल्याण में पड़े रहें। पौराणिक इतिहास को पढ़िए, आज का इतिहास देखिए, तो ज्ञात होगा कि संसार में जितने लोग थे और हैं, स्वरूपतः ऐसे हैं जो किसी से आवृत, वे अनादि अनंत अनंत असीम को कोई आच्छादित नहीं कर सकता, जो किसी के घेरे में नहीं आता, नाश नहीं होता, उसका अकल्याण होना असंभव है। ईश्वर स्वरूप का यही निर्णय और बुद्धि को भी यह मान्य है, क्योंकि बिना असीम को माने बुद्धि को संतोष नहीं होता, कि सभी ससीम ही ससीम है, एक ईश्वर को ही असीम माना गया है, उनका अकल्याण कभी होने योग्य नहीं है। हम कल्याण चाहते हैं तो कहां जाएं? इसलिए उन पदार्थों तो परम सुख नित्यानंद परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन इसलिए है, भगवान श्री राम ने प्रजा को ही शिक्षा दी थी, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग सुख व इहलौकिक सुख मनुष्य शरीर का फल नहीं, है। विषयों से परे जो सुख है उसे प्राप्त करना मनुष्य शरीर का काम है, यह काम और दूसरे से नहीं हो सकता। परमात्मा की खोज के लिए हमको नहीं चाहिए कि हम संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज करें, परमात्मा की प्राप्ति बाहर में नहीं होगी, इसलिए कि हम बाहर में जो कुछ ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, परमात्मा इंद्रियातीत हैं, परमात्मा सर्वव्यापी हैं, हमारे शरीर के अंदर भी हैं और हम भी अपने शरीर के अंदर हैं। अपने ही अंदर हम अपने को चलावें तो उस ओर जा सकते हैं। जो अपने को अपने अंदर चला सकेगा वह शरीर इंद्रियों से अलग होगा, यह वह स्वयं जानेगा। आप जब जगने से सोने में जाते हैं तो कहीं बाहर नहीं जाते, अपने अंदर सिमटते हैं। सोने पर कुछ ज्ञान नहीं रहता, यदि उस समय किसी के मुंह में कोई मिश्री का टुकड़ा रख दे तो उसको स्वाद उसको मालूम नहीं होगा। बात यह है कि इंद्रियों में जो चेतन धार है, स्वप्न में उनका सिमटाव हो जाता है, बाहर इंद्रिय घाटों पर नहीं रहती। इससे जानने में आता है कि भीतर जाने से इंद्रियों से छूटना होता है, बाह्य इंद्रियों से छूट गया है लेकिन अंदर की इंद्रियों से छूटना नहीं हुआ है। इनसे भी छूटा जा सकता है, जब वह इनसे आगे बढ़े
साधन करे। साधन भजन करके ही कोई ईश्वर के दर्शन के योग्य होता है। जो भजन करता है वह ईश्वर दर्शन करके नित्यानंद पाता है। यह यत्न अपने अंदर होना चाहिए। जो जहां कहीं बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। इस शरीर के अंदर जहां जीव की बैठक है वहीं से वह चलेगा। इसका यत्न गुरु से जाना जाता है। यह अंदाज से नहीं होता। वहां पर जाने का रास्ता नहीं है। सिमटाव होने से उस पर जाना होता है। संत कबीर साहब ने कहा कि बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। मन और चेतन आत्मा संग होकर चलते हैं। मन अपनी शक्ति की हद तक जा सकता है, आगे नहीं। आगे चेतन आत्मा ही चलती है। संत तुलसी साहब ने कहा कि सहस्र कमल दल पार में मन बुद्धि प्राण पुरुष चेतन है होते हैं। जहां अंतःकरण का घेरा छूटा तब ऐसी कोई बाधा नहीं रहती। चलते होने योग्य है, कोई और आए नहीं। सुबह से है अलख अपारा, आपे गुप्त प्रगट है, आपे गुरु शब्द आप वनावनिया। और कबीर साहब ने कहा माया के रंग रची सब दुनिया, नहीं सूझ पर धायो जो कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमतहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहां ते आयो। जर विमल वारी परिपूरन ऊपर कछु सेमार तृण छायो। जारत ही होता ही तजियो सट चाहत यही विधि त्रिषा बुझायो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापर दुसह दरिद्र सतायो। अपने धाम नाम सुर तरु तजी विषय बबूर बागमन लायो। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़ न आन पुरानन गायो। तुलसीदास प्रभु यह विचार जिए कीजे नाथ उचित मन भायो। इस प्रकार सब अपने अंदर चलने कहते हैं। भक्तवर सूरदास जी कहते हैं कि अपुन पो आपुन ही में पायो, शब्द नहीं शब्द भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायो। जो कुरंग ना भी कस्तूरी ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चेतो जब चेतन होय करे आपुन ही तन छायो। राजकुमार कंठे मणि भयो कहो गवायो, दियो बताए और लखियो जो को तू ही है ना कहूं गयो ना। सूरदास समझे कि यह गति कहते हैं। मतलब यह कि कोई संत हो या चाहे कोई ऋषि मुनि हो, ईश्वर प्राप्ति के लिए सब अंदर अंदर चलने कहते हैं। इसलिए कि ईश्वर आत्मगम है। साधन के लिए सत्संग सद्गुरु और सदाचार पालन की बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना कोई अंदर चल नहीं सकता। इसके लिए जीवन भर साधन करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाई तज ध्यान, जे हरि कथा न कर ही रत तिनके ही पाषाण। जो जीवन मुक्त संत पुरुष परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, पापों को रहना सदाचार में रहना है, में रहना अनैतिकता और दुराचार में रहना है, सदाचार पालन करने से ईश्वर के मार्ग में सहायता मिलती है और ईश्वर भजन से सदाचार पालन में मदद मिलती है। दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। सत्संग करो जिससे आपको उस मार्ग पर चलने में सहायता मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास श्री राम की आरती इस तरह करते हैं। ऐसी आरती राम की करही मन, हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजे।
दीप निज बोध गत क्रोध मद मोहतम प्रौढ़ अभिमान चित वृत्ति छीजय भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ श्री रमन परम संतोषकारी प्रेम तांबुल गत सुल संशय सकल विपुल भव वासना बीजहारी अशुभ शुभ कर्म घृत पूर्ण दस वर्तिका त्याग पावक सतोगुण प्रकाशम भक्ति बैराग विज्ञान दीपावली अर्पि निरंजनम जग निवासम विमल हृदय भवन कृत शांति प्रियंक शुभ शयन श्री राम के हरने वाले ज्ञान सिंधु और आनंद पुंज राम की इस तरह आरती कर स्थावर जंगम सब रूप और वे सब में लीन है सर्वव्यापी हैं इसी सा इच्छा दीजिए आत्मज्ञान का दीपक दीजिए जिससे क्रोध की चंचलता नष्ट होती है अत्यंत शुद्ध प्रेम का उत्तम नैवेद्य और प्रेम की लक्ष्मीपति परम संतुष्ट होते हैं जिनसे संपूर्ण कष्ट और संदेह दूर होते हैं और जो संसार के बहुत सी इच्छाओं को हरने वाले हैं भक्ति वैराग और विज्ञान के दीपों में शुभ अशुभ कर्म रूपी घी से भरी हुई 10 बत्तियों को त्याग की अग्नि से लेस कर सतोगुण की प्रकाश वाली आरती राम को अर्पण कीजिए। पवित्र हृदय भवन में शांति के सुंदर पलंग पर आराम करने के लिए श्री राम राय को सुलाइए। वहां राम की सेवा के लिए क्षमा और दया मुख मुख दासियों को रखिए। जहां राम उपरुक्त रीति से रहेंगे वहां द्वैत उत्पन्न करने वाली माया नहीं रहेगी। इस आरती में सनकादिक वेद शेष शिव नारद सार पदार्थ निर्माया के दर्शन करने वाले समस्त मुनिगण विशेष रूप से रत रहते हैं। सब इच्छाओं को छोड़कर जो इस प्रकार का आरती करेगा वह मुक्त होगा। हे तुलसीदास निर्मल बुद्धि वाले लोग ऐसा कहते हैं जो अपने को समेट कर के माया के फेर में वह नहीं पड़ता, परमात्मा उससे भिन्न होता ही नहीं, यही ला गए हैं। जो कोई इसको नहीं समझते हैं वे बाहर में आरती करते हैं। अंतर में आरती करो, परमात्मा का भजन करो, तब परमात्मा मिलकर जानत तुम ही हो जाई हो जाएंगे। सारे दुखों को वही पार करता है, वही परम कल्याण पाता है। इसी के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। जो ईश्वर भक्त होता है उसके लिए सदाचार पालन अनिवार्य होता है। जो पंचशील का पालन करता है संसार परमार्थ दोनों में कल्याण पाता है। जो सत्य बोलता है वह किसी का अविश्वासी नहीं होता, लोग उससे प्रेम करते हैं। चोरी वह नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, नशाओं से बचने वाले फाजिल खर्च से बचता है, उसका मस्तिष्क ठीक रहता है। मांस मछली जो भोजन नहीं करते वे जीवों पर दया करते हैं। सात्विक भोजन भी अधिक लेने से वृत्ति तामसी होती है, वह ईश्वर को भूलता है। आहार को प्रिय ऐसे आहार सात्विक होते हैं। चरपरे विशेष लवण युक्त बहुत घन नीम बत्तीते रूखे और दाहक आहार राजस लोगों को प्रिय होते हैं। रोटी भात आदि बनकर पहर भर से पड़ा हुआ उतारा हुआ अर्थात सरने पर आया हुआ फल दुर्गंध हासी जूठा आदि अपवित्र आहार तामसी लोगों के हैं। उन्हें ऐसे ही भोजन प्रिय लगते हैं। यदि समाज के लोग ऐसे हो जाएं कि पंच पापों से बचकर रहें तो संसार में भी आराम होगा
और परमार्थ भी सुखद होगा, संतों ने जो बताया उससे कल्याण होगा। ईश्वर भक्ति का सहारा लो। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप ईश्वर का भजन करें, आप साधन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। जो कोई ऐसा ख्याल करते हैं कि ईश्वर यहाँ आकर दर्शन देंगे, तो बाहर में जो दर्शन होंगे वो इंद्रिय गम होंगे। भगवान श्री कृष्ण के समय में उनके प्रिय और शत्रु दोनों ही तरह के लोग थे। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की निंदा की, बाहर के दर्शन से संसार में लाभ ही होता है और हानि निर्मूल नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से पांडवों को बहुत लाभ हुआ, लेकिन उनके पांचों पुत्र एक ही रात में खत्म हो गए। ईश्वर करें आप लोगों का मन ईश्वर भक्ति में लगे, लग जाए। बोलिए श्री सदगुरु। यह प्रवचन दिनांक 17 श्री सदगुरु परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन संख्या 159 श्री राम की आरती। ब्राह्मणों से कल्याण में त्रुटि और बाधा होती है, उन कारणों के नष्ट हुए बिना अथवा उन कारणों जो हमसे दूर हो, हम कल्याण के पथ को जाने, हम उस पर चलें तो हमारा कल्याण हो सकता है। कल्याण स्वरूप स्वयं परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं जिसको पाकर कल्याण में पड़े रहें। पौराणिक इतिहास को पढ़िए, आज का इतिहास देखिए, तो ज्ञात होगा कि संसार में जितने लोग थे और हैं, स्वरूपतः ऐसे हैं जो किसी से आवृत, वे अनादि अनंत अनंत असीम को कोई आच्छादित नहीं कर सकता, जो किसी के घेरे में नहीं आता, नाश नहीं होता, उसका अकल्याण होना असंभव है। ईश्वर स्वरूप का यही निर्णय और बुद्धि को भी यह मान्य है, क्योंकि बिना असीम को माने बुद्धि को संतोष नहीं होता, कि सभी ससीम ही ससीम है, एक ईश्वर को ही असीम माना गया है, उनका अकल्याण कभी होने योग्य नहीं है। हम कल्याण चाहते हैं तो कहाँ जाएं? इसलिए उन पदार्थों तो परम सुख नित्यानंद परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन इसलिए है, भगवान श्री राम ने प्रजा को ही शिक्षा दी थी, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग सुख व इहलौकिक सुख मनुष्य शरीर का फल नहीं, है। विषयों से परे जो सुख है उसे प्राप्त करना मनुष्य शरीर का काम है, यह काम और दूसरे से नहीं हो सकता। परमात्मा की खोज के लिए हमको नहीं चाहिए कि हम संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक खोज करें। परमात्मा की प्राप्ति बाहर में नहीं होगी, इसलिए कि हम बाहर में जो कुछ ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, परमात्मा इंद्रियातीत हैं, परमात्मा सर्वव्यापी हैं, हमारे शरीर के अंदर भी हैं,
और हम भी अपने शरीर के अंदर हैं। अपने ही अंदर हम अपने को चलावें तो उस ओर जा सकते हैं। जो अपने को अपने अंदर चला सकेगा वह शरीर इंद्रियों से अलग होगा, यह वह स्वयं जानेगा। आप जब जगने से सोने में जाते हैं तो कहीं बाहर नहीं जाते, अपने अंदर सिमटते हैं। सोने पर कुछ ज्ञान नहीं रहता, यदि उस समय किसी के मुंह में कोई मिश्री का टुकड़ा रख दे तो उसको स्वाद उसको मालूम नहीं होगा। बात यह है कि इंद्रियों में जो चेतन धार है स्वप्न में उनका सिमटाव हो जाता है, बाहर इंद्रिय घाटों पर नहीं रहती। इससे जानने में आता है कि भीतर जाने से इंद्रियों से छूटना होता है। बाह्य इंद्रियों से छूट गया है लेकिन अंदर की इंद्रियों से छूटना नहीं हुआ है। इनसे भी छूटा जा सकता है जब वह इनसे आगे बढ़े, साधन करे। साधन भजन करके ही कोई ईश्वर के दर्शन के योग्य होता है। जो भजन करता है वह ईश्वर दर्शन करके नित्यानंद पाता है। यह यत्न अपने अंदर होना चाहिए। जो जहां कहीं बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। इस शरीर के अंदर जहां जीव की बैठक है वहीं से वह चलेगा, इसका यत्न गुरु से जाना जाता है। यह अंदाज से नहीं होता, वहां पर जाने का रास्ता नहीं है। सिमटाव होने से उस पर जाना होता है। संत कबीर साहब ने कहा कि बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। मन और चेतन आत्मा संग होकर चलते हैं। मन अपनी शक्ति की हद तक जा सकता है, आगे नहीं, आगे चेतन आत्मा ही चलती है। संत तुलसी साहब ने कहा कि सहस कमल दल पार में मन बुद्ध प्राण पुरुष चेतन है होते हैं। जहां अंतःकरण का घेरा छूटा तब ऐसी कोई बाधा नहीं रहती, चलते होने योग्य है, कोई और आए नहीं। सुबह से है अलख अपारा, आपे गुप्त प्रगट है, आपे गुरु शब्द आप वनावनिया। और कबीर साहब ने कहा माया के रंग रची सब दुनिया, नहीं सूझ पर धायो जो कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमतहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहां ते आयो, जर विमल वारी परिपूरन ऊपर कछु सेमार तृण छायो। जारत ही होता ही तजियो सट चाहत यही विधि त्रिषा बुझायो, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापर दुसह दरिद्र सतायो। अपने धाम नाम सुर तरु तजी विषय बबूर बागमन लायो। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़ न आन पुरानन गायो, तुलसीदास प्रभु यह विचार जिए कीजे नाथ उचित मन भायो। इस प्रकार सब अपने अंदर चलने कहते हैं। भक्तवर सूरदास जी कहते हैं कि अपुन पो आपुन ही में पायो, शब्द नहीं शब्द भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायो। जो कुरंग ना भी कस्तूरी ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चेतो जब चेतन होय करे आपुन ही तन छायो। राजकुमार कंठे मणि भ्रम भयो कहो गवायो, दियो बतायो और लखियो जो को तू ही है ना कहूं गयो ना। सूरदास समझे कि यह गति, कहते हैं मतलब यह कि कोई संत हो या चाहे कोई ऋषि मुनि हो,
ईश्वर प्राप्ति के लिए सब अंदर अंदर चलने कहते हैं, इसलिए कि ईश्वर आत्मगम है। साधन के लिए सत्संग, सद्गुरु और सदाचार पालन की बड़ी आवश्यकता है, इसके बिना कोई अंदर चल नहीं सकता। इसके लिए जीवन भर साधन करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाई तज ध्यान, जे हरि कथा न कर ही रत तिनके ही पाषाण। जो जीवन मुक्त संत पुरुष परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, पापों को रहना, सदाचार में रहना है, में रहना अनैतिकता और दुराचार में रहना है, सदाचार पालन करने से ईश्वर के मार्ग में सहायता मिलती है और ईश्वर भजन से सदाचार पालन में मदद मिलती है। दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। सत्संग करो जिससे आपको उस मार्ग पर चलने में सहायता मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास श्री राम की आरती इस तरह करते हैं, ऐसी आरती राम की करहि मन हरन दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजे, दीप निज बोध गत क्रोध मद मोहतम, प्रौढ़ अभिमान चित वृत्ति छीजय, भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ श्री रमन परम संतोषकारी, प्रेम तांबुल गत सुलभ संशय सकल विपुल भव वासना बीजहारी, अशुभ शुभ कर्म घृत पूर्ण दस वर्तिका, त्याग पावक सतोगुण प्रकाशम, भक्ति बैराग विज्ञान दीपावली, अर्पि निरंजनम जग निवासम, विमल हृदय भवन कृत शांति प्रियंक शुभ शयन श्री राम के हरने वाले ज्ञान सिंधु, और आनंद पुंज राम की इस तरह आरती कर, स्थावर जंगम सब रूप और वे सब में लीन है, सर्वव्यापी हैं, इसी इच्छा दीजिए, आत्मज्ञान का दीपक दीजिए जिससे क्रोध की चंचलता नष्ट होती है, अत्यंत शुद्ध प्रेम का उत्तम नैवेद्य और प्रेम की लक्ष्मीपति परम संतुष्ट होते हैं, जिनसे संपूर्ण कष्ट और संदेह दूर होते हैं, और जो संसार के बहुत सी इच्छाओं को हरने वाले हैं, भक्ति वैराग और विज्ञान के दीपों में शुभ अशुभ कर्म रूपी घी से भरी हुई 10 बत्तियों को त्याग की अग्नि से लेस कर सतोगुण की प्रकाश वाली आरती राम को अर्पण कीजिए। पवित्र हृदय भवन में शांति के सुंदर पलंग पर आराम करने के लिए श्री राम राय को सुलाइए। वहां राम की सेवा के लिए क्षमा और दया मुख मुख दासियों को रखिए। जहां राम उपरुक्त रीति से रहेंगे वहां द्वैत उत्पन्न करने वाली माया नहीं रहेगी। इस आरती में सनकादिक वेद शेष शिव नारद सार पदार्थ निर्माया के दर्शन करने वाले समस्त मुनिगण विशेष रूप से रत रहते हैं। सब इच्छाओं को छोड़कर जो इस प्रकार का आरती करेगा वह मुक्त होगा। हे तुलसीदास, निर्मल बुद्धि वाले लोग ऐसा कहते हैं जो अपने को समेट कर के माया के फेर में वह नहीं पड़ता, परमात्मा उससे भिन्न होता ही नहीं, यही ला गए हैं। जो कोई इसको नहीं समझते हैं वे बाहर में आरती करते हैं। अंतर में आरती करो, परमात्मा का भजन करो, तब परमात्मा मिलकर जानत तुम ही हो जाई हो जाएंगे। सारे दुखों को वही पार करता है, वही परम कल्याण पाता है। इसी के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। जो ईश्वर भक्त होता है उसके लिए सदाचार पालन
अनिवार्य होता है। जो पंचशील का पालन करता है, संसार परमार्थ दोनों में कल्याण पाता है। जो सत्य बोलता है वह किसी का अविश्वासी नहीं होता, लोग उससे प्रेम करते हैं, चोरी वह नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, नशाओं से बचने वाले फाजिल खर्च से बचता है, उसका मस्तिष्क ठीक रहता है। मांस मछली जो भोजन नहीं करते वे जीवों पर दया करते हैं। सात्विक भोजन भी अधिक लेने से वृत्ति तामसी होती है, वह ईश्वर को भूलता है। आहार को प्रिय ऐसे आहार सात्विक होते हैं। चरपरे विशेष लवण युक्त, बहुत घन नीम बत्तीते रूखे और दाहक आहार राजस लोगों को प्रिय होते हैं। रोटी भात आदि बनकर पहर भर से पड़ा हुआ उतारा हुआ अर्थात सरने पर आया हुआ फल दुर्गंध हासी जूठा आदि अपवित्र आहार तामसी लोगों के हैं। उन्हें ऐसे ही भोजन प्रिय लगते हैं। यदि समाज के लोग ऐसे हो जाएं कि पंच पापों से बचकर रहें तो संसार में भी आराम होगा और परमार्थ भी सुखद होगा। संतों ने जो बताया उससे कल्याण होगा। ईश्वर भक्ति का सहारा लो। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप ईश्वर का भजन करें, आप साधन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। जो कोई ऐसा ख्याल करते हैं कि ईश्वर यहाँ आकर दर्शन देंगे तो बाहर में जो दर्शन होंगे वो इंद्रिय गम होंगे। भगवान श्री कृष्ण के समय में उनके प्रिय और शत्रु दोनों ही तरह के लोग थे। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की निंदा की। बाहर के दर्शन से संसार में लाभ ही होता है और हानि निर्मूल नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से पांडवों को बहुत लाभ हुआ, लेकिन उनके पांचों पुत्र एक ही रात में खत्म हो गए। ईश्वर करें आप लोगों का मन ईश्वर भक्ति में लगे, लग जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन दिनांक 17